नमस्कार दोस्तों, कई बार हम कर्जों से बहुत परेशान होते हैं, उतारना चाहते हैं लेकिन अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ जिसे बहुत लोगों ने किया भी है और उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने अमावस्या की रात को करना है। थोड़ी सी काली राय ले लेनी है और अमावस्या की रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच आपने इस टोटके को करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, काली राय थोड़ी सी अपने हाथ में लें और काली राय हाथ में लेने के बाद आपने एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपने जो अपने हाथ में काली राय ली है उसे एक कागज़ के टुकड़े में या कटोरे में कहीं भी इसे अलग रख दें। दूसरी बार फिर आपने अपने हाथ में काली राय लेनी है और दूसरी बार फिर आपने इस मंत्र को पढ़ना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस दूसरी बार ली हुई राय को भी आपने उसी कटोरे में या उसी कागज़ में जहां आपने पहली बार राय रखी है उसी में डाल दें। तीसरी बार फिर आपने काली राय हाथ में लेनी है और तीसरी बार फिर इसी मंत्र को पढ़ना है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और तीसरी बार जो आपने अपने हाथ में राय ली है इसे भी आपने उस राय के साथ इकट्ठा कर देना है। ये 3 बार मंत्र पढ़ना है, 3 बार काली राय लेनी है, 3 बार जो इकट्ठी की है राय, अब इस इकट्ठी की हुई राय को लेकर आप अपनी छत पर चले जाएं। कई लोग कहते हैं कि छत नहीं है, तो ऐसे में आप इसे अपने जो तिराहा होता है, तिराहा मतलब जो 3 राहों वाला रास्ता होता है, वहाँ पर भी जाकर इस टोटके को कर सकते हैं। अगर उस छत पर जाकर जब आप इस राय को 10 दिशाओं की तरफ उछालकर इस तरह फेंकते हैं कि ये हवा में उड़ जाए, गायब हो जाए, बस इतना सा टोटका करने के बाद आपने हाथ जोड़कर महालक्ष्मी को नमन करना है और प्रार्थना करनी है कि कर्जों से मुक्ति दें। बहुत आसान सा है, बहुत लोगों ने किया भी है और मुझे इसके रिज़ल्ट भी आए हैं। आपको मैं ये टोटका पहले भी एक वीडियो बनाकर उसमें बता चुकी हूँ और उसमें भी मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स लोगों ने दिए हैं और इस वीडियो को मैं दोबारा बनाकर आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ ताकि इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।